आधी आकर फिल्टर फिल्टर करा कर रखा कर दोबारा बोलते हैं ना, वो चैतन्य में भी है क्या? भक्ति मार्ग में बोलते हैं जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो या तो मनमत पे चलेंगे या कोई न कोई देहधारी धर्मगुरु की मत पर चलेंगे। तो जिस देहधारी धर्मगुरु की मत पर चलेंगे उसी कुल में चले जाएंगे ना। तो कोई नीचे से नीचे देहधारी धर्मगुरु है नास्तिक धर्म का तो कहाँ चले जाएंगे? नीचे से नीचे तल कौन सा हुआ? उससे ज्यादा नीचा तो और कोई होता ही नहीं। जानवर जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। जैसे जानवरों को कोई माँ नहीं होती, बहन नहीं होती, बेटी नहीं होती, कोई संबंध का अनुभव नहीं होता, ऐसी जिंदगी बन पड़ती है। तो कहाँ चले गए? रसातल में चले गए। और बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ लेते हैं ना तो उनको अहंकार करता है कि नहीं है? बहुत अहंकार कर जाता है तो अपनी गैंग बनाते हैं। गैंग बनाए बनाए फिर आक्रमण करते हैं। और रुद्रमाला का मणका रहा होगा। रुद्रमाला का मणका पुरुष होता है या स्त्री होता है? हैं? पुरुष ही होता है। भाव स्वभाव संस्कार ज्ञान में देखा जाता है, देह थोड़ा ही देखी जाती है। धर्मराज कौन है? धर्म का धारणाओं का राजा कौन है? ब्रह्मा जी सोम, वो तो शरीर छोड़ दिया, फिर कौन? ब्रह्मा को तो देवता कहा नहीं जाता। और नंबर बार बच्चों में प्रवेश करता है जो उनसे उसकी बात होता है वही बच्चों को सजा नहीं होता है। बाकी कोई सजा नहीं थे मात्र नहीं बच्चों को जो बाथरूम को सजा देने के लाइक करना पुरुष रूप में ब्रह्मा की पूजा होती नहीं तो पूजा कहाँ होती है? जगदम्बा के रूप में पूजा होती है। और सकाश का क्लियर अर्थ है नजदीक। चाहे दृष्टि से नजदीक हो तो भी सकाश कहा जाएगा, वृत्ति से नजदीक हो या किसी को खींचा जाए वृत्ति से तो सकाश देना कहा जाएगा। तन की कर्मेंद्रियों से नजदीक आता है, आकर्षित होता है तो भी सकाश देना कहा जाता है।
जैसा सकाश देने वाला होगा वैसा उसका संग का रंग लग जाएगा। बहुत पाप कर्म करते हैं उसको एक ही जगह बोला ना, तब तक तो बांधा में 5,000 था, बांधा में रहता है बोला। लास्ट में जब वो विनाश होता है उस टाइम पर लोग एक बार उतर करके फिर वो मछली मच्छर देते हैं फिर वो वापस जाता है बोला ना। तो बहुत थोड़ी टाइम में क्या इतना पाप कर्म किया वो 5,000 साल वहाँ बैठे। मक्खी मच्छर है ना, मक्खी मच्छर है और ह्यूमन मक्खी मच्छर हो तो पाप का कर्म करेगा या पुण्य का कर्म करेगा? जैसे दुख देने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो सतयुग में आते हैं या कलयुग में आते हैं? है? कलयुग में आते हैं। कीड़े मकोड़ों का काम क्या होता है? दुख देना, कांटा मारना या सुख देना? कांटा ही लगाते हैं तो उनकी टेंडेंसी है दुख देने की। तो जिनकी टेंडेंसी है दुख देने की उनका पाप कर्म ज्यादा होगा या जो देव आत्माएं रह चुकी हैं सतयुग त्रेता में सुख देने का उनके अंदर मादा ज्यादा है वो पाप कर्म ज्यादा करेंगे? और ब्रह्मा बाबा क्या देवता है? ब्रह्मा बाबा को देवता समझ लिया क्या है? फिर और देवताओं को जो लंबे लंबे बाल दिखाए हुए हैं सुलझे हुए वो इस बात की निशानी है कि उनकी ज्ञान की जटाएं सुलझी हुई हैं, कोई मुझाट अंदर में नहीं है, इसलिए प्रसन्न चित्त है। आज के साधु संन्यासी होते हैं तो उनकी जटाएं दिखाई जाती है, उलझी हुई जटाएं दिखाते हैं या सुलझी हुई दिखाते हैं? उलझी हुई दिखाते हैं। नाना ज्ञान का सूत उनका सारा मुझा हुआ है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को क्लियर नहीं कर सकते। और समान रूप से पुरुषार्थ करेंगे तो समान रूप से भोगेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ किया होगा तो थोड़े समय के लिए भोगेंगे नंबर वार। जिसने बहुत पुरुषार्थ किया होगा वो लंबे टाइम तक अतीन्द्रिय सुख भोगेगा, और जिसने बहुत थोड़ा पुरुषार्थ किया होगा जब संत सत्य से आने वाला होगा थोड़े समय, जब पुरुषार्थ उनका पक्का होगा तो थोड़े समय के लिए अतीन्द्रिय सुख भोग लेंगे। और
उनकी इंद्रियों के सुख में आकर्षण ही नहीं होगा। देखते हुए जैसे नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। कान इंद्रियां है ना, लेकिन कानों से जो सुनते हैं और आंखों से जो भी देखते हैं, देह और देह के पदार्थ, उनमें उनका कोई लगाव साबित नहीं होगा। देखो जानते हैं ये सब विनाशी अल्पकाल का है, आज दिखाई पड़ता है कल बस वो हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत, हाँ, अंदर में पृथ्वी जो है लिक्विड रूप में है। जैसे कारखानों में लोहा जब गलाया जाता है तो लिक्विड हो जाता है गर्मी के मारे, ऐसे ही पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा जो है वो सब लिक्विड है। और जब पृथ्वी दोलायमान होती है तो वो लिक्विड हिस्सा उसको ऊपर आने का रास्ता मिल जाता है और ज्वालामुखी फट पड़ता है। काय का जो जिसका अंत में जो सभी को आश्रम को अंतिम चर्चा है कल चर्चा द्वारा पर्वत जो बढ़ते रहते हैं कल सामने पूरी है सब सहन करने की भी एक इंतहा होती है। माताएं सहन करते 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 कहाँ तक सहन करेंगी। एक स्थिति आ जाती है जब उन्हें शिव का पूरा संरक्षण मिलता है तो उनका अंदर का उबार फट पड़ता है। सारी दुनिया में बड़े बड़े ज्वालामुखी फटेंगे। जापान जापान जा पानी चला गया क्या है, है? पानी अगर होता तो बौद्ध धर्म में से नास्तिक धर्म नहीं निकल पड़ता। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो न आत्मा के बारे में कुछ चिंतन करता है, न परमात्मा के बारे में बताता है, न स्वर्ग के बारे में बताता है। हाँ हाँ, जब सत्व प्रधान होता है तो सोने की मूर्ति, तमो प्रधान बनता है तो काली मूर्ति। वो लौकिक ज्ञान है कि पारलौकिक ज्ञान है? नहीं, जो कुछ भी अरे महल मानियों अटारियों उठाने का जो ज्ञान बनता है लौकिक दुनिया की भौतिक सांस सुविधाएं बढ़ाने का जो ज्ञान बनता है वो ज्ञान है या अज्ञान है? फिर जापान पूरा ही पानी चला गया, तकनीक में बहुत आगे है लेकिन पदार्थों की तकनीक है, आत्मा की तकनीक नहीं है। और सारी कहानी पूरा है
सुनाने वाले मनुष्य गुरु हैं आदि की कहानी, या हम सिर्फ बाबा की मुरली में से कहानी चुन रहे हैं? कहानी का अंश हमने बाबा की मुरली से चुना है, या देहधारी गुरुओं ने जो बताया है उसको भी चुन लिया है? प्रजापिता ने तो 42 में ही शरीर छोड़ दिया, उसके बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 छह वर्षों के बाद कराची से मुरली निकलती चली आई है। और हाँ जी, क्योंकि देवताई धर्म जो बाबा ने सिखाया था, बाबा ने जो देवताई धारणाएं सिखाई थी उसकी मूल धारणा मैं आत्मा हूँ, तो 50% खत्म हो गई, तो देवत्व तो खत्म हो गया। देवत्व खत्म हुआ तो आसुरी आत्माओं का आगमन हो गया। अद्वैतवाद जो चल रहा था दुनिया में वो द्वैतवाद में परिवर्तित हो गया, दो दो बातें होने लगी। तो जहां द्वैत शुरू होगा वहां भूकंप तो आएगा। जैसे परिवार होता है, परिवार में लंबे समय से एक मुखिया का कंट्रोल चलता चला आ रहा है, और अचानक कोई नास्तिक बच्चा है वो सर उठा लेता है और मुखिया का विरोध करने लग पड़ता है, तो परिवार में भूकंप आता है या नहीं आता है? तो ये भी मनुष्य सस्य रूपी परिवार है। पहले अभिविचारी परिवार था, अभिविचारी दुनिया थी, फिर द्वापर युग से विविचारी दुनिया शुरू हो गई। जहां जहां विविचार पनपता है वहां हड़कंप होते हैं। प्योरिटी से होता है संगठन मजबूत, और इम्प्योरिटी से होता है संगठन टूटने फूटने का काम। और माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांच विकार, और प्रकृति है भगवान की प्रकृष्ट रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना, ऐसी रचना जिसे रचने में भगवान ने प्रैक्टिकल में एड़ी चोटी की ताकत लगाई, और जिसके लिए पहले से घोषणा कर दी नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो है प्रकृति। माया मनुष्य का
खास करके ब्राह्मण ही मनुष्य सृष्टि का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, तहस नहस नहीं कर पाती। लेकिन जब प्रकृति सहयोगी बनती है माया की, तो सारा तहस नहस कर देती है। ज्यादा पावरफुल कौन हुई है? प्रकृति। लेकिन माया का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति है जड़त्वमयी बुद्धि और माया है चैतन्य। प्रकृति कहा जाता है मंदोदरी को, जिसका मंद उदर है, जिसका बुद्ध रूपी पेट मंद है। भगवान के साथ रहते हुए भी भगवान को नहीं पहचान पाती। और माया, माया रावण पहचानता है कि नहीं पहचानता है? अरे माया रावण अंदर से पहचानता है या नहीं पहचानता है? पहचानता है, ये रावण है। तो बुद्धू कौन है और बुद्धिमान कौन हुई? माया हो गई बुद्धिमान। लेकिन बुद्धू इसमें बन जाती है कि जिसको पहचाना है उसी का विरोध करती है। अहंकार में आकर है राधा की शादी भले भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं ज्ञान में चलने वाले कि शादी होने के बाद भी पवित्र रह सकते हैं या नहीं? हाँ, तो वो राधा है। बेसिक नॉलेज में कन्याएं सरेंडर होती है, प्रैक्टिकल में किसके लिए सरेंडर होती है? निराकार के लिए। निराकार के लिए सरेंडर कहा जाता है? किसके डायरेक्शन में चलना पड़े हैं? दीदी दादियों के डायरेक्शन पे। दीदी दादियां नजदीक होती है उनके, और तो जो भाई सेंटर खोलता है, सेंटर की जिम्मेवारी लेता है, उनको सौंप दिया जाता है। तुम्हारा ये घर ग्रस्त है, चलाओ। शादी का मतलब क्या है? हैं? शादी का मतलब क्या है? चतुर्युग त्रेता में शादी होती है या बिना शादी के होते हैं? हैं? शादी साध माना नहीं होता है, लेकिन फिर किस आधार पर बच्चे पैदा हो जाते हैं? है? इंद्रियों का मेल होता है ना, होता है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ भी यही धंधा है। बाबा ने तो किसी मुरली में कहा नहीं कि कन्याएं माताएं और पुरुष बैठ करके एक साथ दृष्टि का मेल करें।
इंद्रियां आंखें भी इंद्रियां हैं या नहीं है, है? और सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि मनुष्य के लिए और कीड़े मकोड़े जानवर सबके लिए होता है और ब्रह्म मनुष्य के लिए क्या? ड्रामाबाजी करता कौन है? कीड़े मकोड़े ड्रामाबाजी करते हैं या मनुष्य करता है? तो जो करता है उसी के लिए ड्रामा है। हाथ उठाओ, हाथ उठा दो। हाँ जी, हैं? ग्रह उपग्रह। हाँ जी, हैं? हाँ, एक दूसरे के आकर्षण के आधार पर खड़े रहते हैं। हाँ जी, खड़े नहीं रहते हैं, एक दूसरे का चक्कर काटते रहते हैं। हैं? हैं? हाँ, जो ज्यादा पावर वाला होता है, मान लो कोई राजा है, सारी सृष्टि का सम्राट है, तो वो अपन ही चलाएगा या किसी के आधार पर प्रभावित होकर रहेगा? है? क्या होगा? अपनी चलाएगा, सारी दुनिया उसके चारों तरफ चक्कर काटे, वो किसी का चक्कर काटने वाला नहीं हो सकता। बाकी सब है नंबर वार, तो एक दूसरे का चक्कर काटते रहते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा। और खुशी ज्यादा बढ़ती है और लगातार खुशी रहती है तो अंदर में समझना चाहिए हमारे पुण्य का खाता बढ़ गया। हाँ, कोई संबंध है? हिसाब किताब पाप पुण्य दोनों का होता है, पुण्य का भी हिसाब किताब होता है। जिस आत्मा के साथ हमने पुण्य का लेन देन किया होगा तो इस समय संगम युग में वो हमारे लिए सुखदाई साबित होगा या दुखदाई साबित होगा? है? सुखदाई साबित होगा। जिसके साथ पाप का लेन देन ज्यादा हुआ होगा वो दुखदाई साबित होगा। हैं? हाँ, संगम युग में ही तो पता चलता है कि किसके साथ हमारा कैसा कैसा हिसाब किताब रहा है। मान लो कोई आत्मा आज से लेकर के अंत तक हमारे लिए सुखदाई रही है संगम युग में, तो उसके साथ हमारा पुण्य का खाता है या पाप का खाता है? हैं? पुण्य का ही खाता है। और आत्मिक दृष्टि ही अलौकिक दृष्टि है और दैहिक दृष्टि ही लौकिक दृष्टि है। और
हाँ जी, जो यहाँ संकल्प उठता है अच्छा या बुरा, वो ब्रॉड ड्रामा में भी प्रैक्टिकल घटित होता है। कभी हम कलयुग में होते हैं, दुष्ट संकल्प करते हैं, हैं कैसे नहीं, और कभी हम सतयुग में होते हैं, ज्ञानयुक्त सत्य संकल्प करते हैं, या तो सतयुग में होते हैं या तो कलयुग में होते हैं, इसी को संगम कहा जाता है। ऐसे थोड़े ही कि हम न कलयुग में हैं न सतयुग में हैं, संगम में है। हाँ तो कलयुग में क्यों रहना चाहिए, देह देह के संबंधियों के बीच में क्यों रहना चाहिए, बुद्धि से कहाँ रहना चाहिए, हैं? हैं? संग का रंग लगती है। हाँ तो हम संग का रंग याद में किसका लगाएं? बाप ने कभी कहा कि बाप को याद मत करो, आत्माओं के बाप को याद न करो, देहधारियों को याद करो। जिसको याद करेंगे उसका संग का रंग लगेगा, याद वो ही आएगा जिसका प्रैक्टिकल में संग किया होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से संग किया और वो याद ना आए। संपन्न स्टेज हो जाएगी तब याद नहीं आएगा। जैसे देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, वो स्टेज बन जाएगी। मान लो बस में बैठे हैं, मेल फीमेल दोनों बैठते हैं बस में, एक ही सीट पर कोई मेल बैठ गया, एक ही सीट पर फीमेल बैठ गई, अब संग का रंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, है? अगर बुद्धि में याद आया तो लग रहा है, अगर लगाओ बाप में, बाप की वाणी में, बाप की सेवा में, बाप की नई दुनिया में बुद्धि लगी हुई है उसके साथ बैठते हुए भी, तो संग का रंग लगेगा नहीं लगेगा। हाँ। बेहद का अमृत वेला तब है जब ज्ञान सूर्य प्रैक्टिकल में चैतन्य रूप में संसार के सामने उदित होने वाला है, प्रकट होने वाला है, तो बेहद का अमृत वेला है। उस लास्ट टाइम पर जो जितना तीसरा पुरुषार्थ कर लेते हैं उनके टाइम की बहुत वैल्यू हो जाती है। तो हद का वेला तो जानते ही है। कोई स्थूल सूर्य है, इस स्थूल सूर्य के उगने से पहले जो वेला होती है उसको हद का अमृत वेला कहा जाता है। वो देश देशांतर में बदलता रहता है।
अकाल मृत्यु। हाँ हाँ जी का यज्ञ में जो पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ देते हैं, युद्ध में वो कोई अकाले मौत है, वो तो जानबूझ के गए, या मरना है या मारना है, अकाले मौत का वो तो पहले से जानते हैं कि हम काल से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है युद्ध में लड़ते हैं तो उनका क्या लक्ष्य होता है, है? अपने देश की सुरक्षा करना लक्ष्य होता है या सामान्य लक्ष्य होता है? स्वार्थमय होते हैं कि निस्वार्थ होते हैं, है? निस्वार्थ होते हैं। तो जब लक्ष्य ही निस्वार्थ है तो आत्मा के नजदीक कहेंगे या रथ के नजदीक कहेंगे, है? काहे के नजदीक हुए, आत्म किस स्टेज में है? हाँ अगर आक्रमण करने वाला राजा और आक्रामक जो भी सेना है उनकी बुद्धि में है कि हम अपने राज्य की वृद्धि करेंगे, दूसरे राजा की रानियों को भोग करेंगे, तो जो लक्ष्य है वो स्वार्थी कहा जाएगा या निस्वार्थी कहा जाएगा? स्वार्थी कहा जाएगा, उनको कैसा जन्म मिलेगा, है? युद्ध में तो शरीर छोड़ा लेकिन लक्ष्य क्या था, स्वार्थ का लक्ष्य था या निस्वार्थ देश रक्षा का लक्ष्य था? तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तसफल क्या का, भाव देखा जाता है हर कर्म में। और हाँ जी बोलो। जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की परछाई जिन लोगों के ऊपर पड़ती है पृथ्वी में वो अंधेरे में आ जाते हैं। तो सारी पृथ्वी वाले अंधेरे में आ जाते हैं या अमुक स्थान के ही आते हैं, है? अमुक स्थान वाले आते हैं, तो ये अंतर पड़ जाता है। जिस स्थान के वासी है वो स्थान कौन सा खंड है, बौद्ध धर्म खंड है, क्रिश्चियन धर्म खंड है, मुस्लिम धर्म खंड है, इस्लामी धर्म खंड है, तो देश काल और व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। चाहे लौकिक में हो और चाहे अलौकिक में हो, समझ
उनका कल्याण का नहीं होना है, उनके पापों का विनाश होगा तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ है? अगर पापों का उनका विनाश नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ दो चीजों के बारे में जानकारी है। दो है, एक सीता वो मूर्ति की बनाई गई, माने पांच तत्व की बनाई गई, और एक सीता चैतन्य जिसमें जड़त तो कम है, चैतन्यता ज्यादा है, आत्म की स्थिति ज्यादा है और देह भान कम है, तो दो सीताएं हो गई। एक देह की स्थिति को धारण करने वाली तामसी स्टेज में, और एक आदि से अंत तक आत्मिक स्टेज में रहने वाली। इसलिए उसका नाम पड़ता है गौरी और उसका नाम पड़ता है काली। तुम सब सीताएं हो, चाहे गोरी हो और चाहे काली हो। सब रावण के पंजे में आने वाली हो। गोरी है वो भी रावण के पंजे में आती है, काली है वो भी रावण के पंजे में आती है। नंबर एक और दो का सवाल है, और संगम का ज्ञान है ही नहीं। बाबा तो कहते हैं सदैव पुरुषोत्तम संगम की याद बनी रहे तो भी कल्याण है। पुरुषोत्तम संगम याद आया और बाप भी याद आया। पुरुषोत्तम संगम युग होता ही तब है जब पुरुषों में उत्तम पुरुष की याद हो। इस सृष्टि का उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है ये बुद्धि में पक्का हो जाए। तो भौतिक चीजों की तरफ बुद्धि क्यों जाएगी, जबकि बाप ने बोला है इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब सब खलास होने वाला है, सब विनाशी है, और जो तीसरे नेत्र से देखते हो वो अविनाशी है। तो जो आत्मा अविनाशी है उसके अनेक जन्मों के सुख के लिए पुरुषार्थ करेंगे, या जो भौतिक सृष्टि के भौतिक वस्तुएं और भौतिक दुनिया में बुद्धि लगाने वाले मनुष्य देहदारी
उनकी तरफ बुद्धि का आकर्षण होगा। सर ये इंद्रियों से आकर्षण करने की आदत पड़ती है, इंद्रियों की आकर्षण में रहने का आदत हो गई है। त्रेसठ जन्म की आदत किस लिए हुई है? आत्म की स्टेज में रहने के कारण या न रहने के कारण? न रहने के कारण हुआ तो जानते हुए भी ऐसा हो जाता है, तो प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो प्रैक्टिस पक्की करनी है। ऐसा हुआ तो अपना गति क्या है? हमारी गति क्या होगी? जानते हुए भी हम सुधारने का प्रयास न करें? कहाँ प्रयास कर रहे हैं? भूख लगती है तो खाना खाने का प्रयास करते हैं कि नहीं है? हैं? रोग नहीं खाने से रोग लग जाता है? आत्म की स्थिति में लगातार रह के 24 घंटे दिखाओ देखे कैसे रोग लग जाए। रोग तो रोग, ये भूख लगना, ये प्यास लगना, ये भी एक रोग है। अंत में जब एटम बम फटेंगे तो जिनकी पक्की आत्म की स्टेज होगी उनको उन एटम बमों की दुर्गंध भी नाक में नहीं जाएगी। जैसे वो हठयोगी होते हैं, हठयोग पूर्वक श्वास प्रश्वास को रोकते हैं, और जिसका बुद्धियोग केंद्रित हो जाता है उसका ऑटोमेटिक श्वास प्रश्वास रुक जाता है। न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। तो ऐसे ही है, जैसे कोई स्नैक खाने का आदि हो गया है और इसको स्नैक न मिले तो बीमार हो जाएगा या स्वस्थ रहेगा? हालत खराब हो जाएगी या हालत अच्छी रहेगी? है, हालत खराब हो जाएगी। तो ये भूख की भी बीमारी है। इसलिए बाबा ने पोतामेल में एक कालम रखा है, वो कालम में लिखना चाहिए कितनी बार खाया। हाँ जी, वो कैसे? अरे ये भी नहीं समझ में आया अभी तक। जो कृष्ण की आत्मा है वो रचना का पाठ नहीं बजाएगी, फर्स्ट क्लास रचना बनेगी या नंबर वार रचना बनेगी? फर्स्ट क्लास रचना बनेगी। पहली पहली रचना कौन होती है? हैं? पहली पहली रचना माँ होती है। हाँ जी, उसका तो है ही माँ का पाठ। संगम की दुनिया में वास्तव में माँ का पाठ बजाने वाली आत्मा कौन है? हैं? ब्रह्मा है। शक्ति का पाठ किसने बजाया? हैं?
ब्राह्मण बजे है और क्या गणेश जी को चूहा दिखाया है चूहा तो चल भी नहीं पाएगा जल्दी और उनका पेट तो इतना मोटा है चूहे का मतलब ये है कि जिसके अंदर ये संस्कार भरे हुए हैं कि पूरे घर को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा और घर में रहने वालों को पता ही नहीं चलेगा तो ऐसों का आधार लेता है जैसे बागंबरी देवी कही जाती है किसका आधार लेती है बाघ का बाघ किसे कहा जाता है टाइगर को टाइगर भारत का नेशनल जानवर है तो जो बागंबरी देवी है वो किसका आधार लेती है हैं? टाइगर का आधार लेती है त्रिमूर्ति में शेर कौन है एक बागंबरी है और एक सिंहवाहिनी है दो देवी है ना कौन कौन सिंहवाहिनी वैष्णवी को क्या दिखाते हैं सिंहवाहिनी है किसको हाँ दुर्गा को चीता दिखाते हैं सारे दुर्गुणों का हरण कर देती है हाँ मैंने उसका आधार लिया हुआ है कोई कार्य करने के लिए जब तक उसका आधार न ले तब तक कार्य संपन्न नहीं होगा हाँ जी जैसे कार्तिकेय बहुत टिक टिक करने वाला है तो टिक टिक करने वाला है ज्ञान सुनाएगा कि अज्ञान सुनाएगा अज्ञान सुनाने वाला है किसका आधार लेता है जब तक मोर का आधार न ले पवित्र पक्षी का आधार न ले तब तक उसकी गति सदगति होने वाली नहीं है और ठीक है
माने वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले नहीं होंगे, पहले ही आना चाहिए ना त्रेता में। अतीन्द्रिय सुख त्रेता में भोगेंगे या संगम युग में भोगेंगे? कहाँ भोगेंगे? जो 16108 गोप गोपियों का गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो वो गोप गोपियां संगम युग में होते हैं या त्रेता के अंत तक होते हैं? वास्तव में कहाँ होते हैं? संगम युग में होंगे तो बीज ही होंगे। हाँ, आते हैं त्रेता के अंत तक, क्योंकि उनमें बहुत से दास दासी बनने वाले होते हैं। शुरुआत में दास दासी बनेंगे, अंत में उनको कोट पतलून मिल जाएगी। ये छोटे मोटे राजा के यहाँ प्रिंस या प्रिंसेस बन जाएंगे थोड़े समय के लिए, छोड़ेंगे ना। दूसरे धर्म के होंगे, प्रसाद कम किया होगा तो सही नहीं छोड़ना पड़े। थोड़े ही बचेंगे जो पक्के सूर्यवंशी होंगे, जिन्होंने बाप को ही फॉलो किया होगा। अगर बीज रूप होंगे तो कौन से बीज श्रेष्ठ होते हैं? जिन बीजों ने दूसरे बाप को फॉलो कर लिया वो श्रेष्ठ है थोड़े समय के लिए, या जिन्होंने आज से लेकर के अंत तक एक ही बाप को फॉलो किया उनका पुरुषार्थ टीका होगा? तो विनाश की विभीषिका में कौन बचेंगे और कौन बह जाएंगे? हैं? हाँ जी, ठीक है। जैसे राधा कृष्ण का जन्म होता है तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे 4.5 लाख के अंदर ही होंगे या बाहर होंगे जन्म लेने वाले? 9 लाख में 4.5 लाख एक तरफ, 4.5 लाख एक तरफ। तो 9 लाख में 4.5 लाख के अंदर ही राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो जन्म लेने वाले होंगे वो उसी में होंगे ना। इसी तरह दूसरी तरफ जो जन्म देने वाले हैं वो भी जो दूसरा ग्रुप है 4.5 लाख का, उसी के अंदर होंगे या बाहर होंगे? उसमें भी दो ग्रुप है, एक पहले चंद्रवंशी थे, ओरिजिनल सूर्यवंशी नहीं थे, फिर बाद में सर झुका दिया, हम सरेंडर हो जाते हैं, सर तुम्हारे अंडर कर देते हैं, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, तो वो सूर्यवंशी हो गए। जो सूर्यवंशी की निशानी क्या है, जो शरण में आता है उसको अपनाए लेते हैं या नहीं अपनाते हैं? है? अपनाए लेते हैं, अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो सूर्यवंशी हो गए। तो जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं उनमें पक्के सूर्यवंशी कितने हैं? अरे 9 धर्मों को बांट दो, 50,000 जो पक्के हैं और 50,000 जो चंद्रवंश से बाद में छलांग लगा देते हैं, सूर्यवंश में चले जाते हैं, तो टोटल कितने हुए? 1 लाख हो गए। जब रुद्र की रचते हैं तो मोस्टली कितने सालिग्राम बनाते होंगे? लाख सालिग्राम बनाते हैं, वो ही अविनाशी हैं।
और बाकी सब खेल कलासम जिंदाबाद हम बट गोविंदम। आखिरी कृष्ण को ही गीता का भगवान मान लेंगे। चलो।